का झारखंड बंद का प्रभाव दूसरे दिन भी देखने को मिला। झारखंड सरकार द्वारा लाए गए 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड राज्य स्टूडेंट यूनियन द्वारा 48 घंटे का बंद का आह्वान किया गया था, जिसका प्रभाव दूसरे दिन भी देखने को मिला। छात्र संगठन ने रामगढ़ जिले के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। इन छात्र संगठनों ने जिले के कोठार में रांची पटना मार्ग को सुबह से ही जाम कर रखा था, जिस वजह से लंबी दूरियों की गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं पतरातु रामगढ़ मुख्य मार्ग चैन गड्ढा के समीप सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थक सड़क पर सुबह से ही नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान बंद समर्थक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। जाम के कारण सड़क पर गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रोड जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों ने भदानी नगर ओपी प्रभारी राजदीप ने जाम हटाने की अपील की। बता दें कि झारखंड राज्य स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। वहीं रामगढ़ जिले के पुलिस बंद कर रहे प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट दिखी। बंद को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे। सोना न्यूज के लिए रामगढ़ से राहुल सिंह के साथ रघुनंदन प्रसाद की। 60-40 एक बिल्कुल ही मतलब गलत नियम लेकर आई है सरकार, और इस नियम को हम लोग एकदम नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल नियोजन नीति जो लाई है सरकार, जिससे हम लोग ये मैंने एक बंटवारे की स्थिति प्राप्त कर मैंने कर दी, उत्पन्न कर दी है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हर अन्य राज्यों में ऐसी कहीं मैंने 60-40 का नीति नहीं है, 90 तक है। और हम लोग भी चाहते हैं कि 90-10 का नीति बने, और हम लोग इसका समर्थन करेंगे। जब तक ये नीतियाँ नहीं बदलती है, तब तक हम लोग छात्र और अभिभावक लोग हम लोग रोड और सड़क में उतरते रहेंगे, चाहे वो सरकार जैसे भी हो। हम लोग सरकार को एकदम इसके खिलाफ है, इसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके सरकार इस नियम को वापस ले और एक अच्छी नीति बनाकर आए, ताकि हमारे जो बेरोजगार जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोजगार मिल सके, और हम लोग को कहीं दूसरे अन्य जगहों पर नहीं भटकना पड़े। इसलिए 60-40 नियोजन नीति जो झारखंड सरकार लाई है, उससे झारखंड के युवाओं का कहीं भी भलाई होने वाला नहीं है। अगर आपको पता नहीं हो तो हम बता दें कि 60% यहाँ के लोगों के लिए है और 40% अन्य राज्यों के लोगों के लिए मतलब नियम बनाया गया है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि झारखंड के युवा मतलब कितना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे बाहर के युवाओं के साथ। वैसे भी यहाँ की जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है कितना डगमगाया हुआ है आप जान सकते हैं। इसलिए हम लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो झारखंड सरकार इस नीति को वापस ले।